हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं एक्सेल में। जैसा कि आपको मालूम है कि एक्सेल का हम ट्यूटोरियल चला रहे हैं, और आज हम एक्सेल में प्रयोग करने जा रहे हैं कि वर्कबुक को हम पासवर्ड के साथ कैसे सेव कर सकते हैं। मतलब आपका बहुत ही सीक्रेट डाटा है, बहुत ही सिक्योर डाटा है, और आप उसको शेयर नहीं करना चाह रहे हैं किसी के साथ, तो आप उसको कैसे पासवर्ड के साथ सेव कर सकते हैं, ये आज अपन देखेंगे। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, इस समय आपको ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने डाटा को सुरक्षित रखें, सेव करके रखें। कोई और व्यक्ति या एम्प्लॉय, यदि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कोई और उस फाइल को ना देख पाए, तो आप ये किस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं, ये आज हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो देखिए, आपका एक्सेल खुला हुआ है। मान लीजिए आपकी बहुत ही काम की फाइल है। मान लीजिए मैं एक फाइल खोल लेता हूँ जो पहले से बनी हुई होगी। तो यहाँ पे मैं एक डाटा शीट खोल लेता हूँ, और जैसे मान लीजिए ये मेरी एक स्टूडेंट डाटा शीट है, और ये अभी डायरेक्टली ओपन हो गई। अब मैं इसे फिर से सेव करूँगा तो ये पासवर्ड के साथ सेव हो जाएगी, और जब अपन दोबारा इसको अगेन खोलेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा। तो हम इसको सेव कैसे कर सकते हैं पासवर्ड के साथ, तो ये हमें आज यहाँ पर देखते हैं। तो ये फाइल पहले से सेव है डाटा शीट के नाम से, तो मैं इसे पुनः सेव करने जाऊँगा फाइल में जा करके। जैसा कि मैंने बताया था, यदि आप किसी फाइल को फिर से दोबारा सेव करना चाहते हैं किसी दूसरे नाम से या दूसरे तरीके से, तब आप सेव एज का ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर सेव एज ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें देखिए, सेव एज डायलॉग बॉक्स में इस फाइल को आपको कहाँ सेव करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बाय डॉक्यूमेंट माई डॉक्यूमेंट में सेव होती है, लेकिन यदि आपको पर्सनली कहीं और सेव करना है ड्राइव में, तो ये आप सिलेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में ही सेव हो, तो हम डॉक्यूमेंट ही सेलेक्ट रहने देते हैं। इसके बाद में इसका नाम है डाटा शीट। यदि आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो नाम को चेंज कर सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। डाटा शीट वन नाम से मैंने दे दिया है इसको, एक्सेल वर्कबुक, ये सही टाइप है इसका। और इसके बाद में आपको कहीं नहीं जाना है। ये सेव के बाजू में जो बटन है, टूल्स बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। टूल्स बटन में आपको जनरल ऑप्शन मिलेगा, इस जनरल ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक जनरल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जिसमें आपका लिखा रहेगा पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो यदि ओपन करना है तो भी आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, और यदि इसमें आपको मॉडिफाई करना है तो भी आपको पासवर्ड डालना होगा। तो ओपन करने के लिए हम यहाँ पर पासवर्ड डालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा पासवर्ड डाल देता हूँ। और हाँ, ध्यान रहे कि आप जिस फाइल में जो पासवर्ड डाल रहे हैं उसको ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपकी फाइल ओपन नहीं होगी। तो पासवर्ड डालते समय आप ध्यान रखिए कि आप क्या पासवर्ड रख रहे हैं, आप उसे नोट करके रख लीजिए, ताकि आप जब दोबारा खोलें तो ये आसानी से खुल जाए। तो यहाँ पे मैंने एक पासवर्ड डाल दिया, इसके बाद में ओके कर दिया। तो यहाँ पे फिर से वो री एंटर पासवर्ड करके पूछता है, तो फिर से वही पासवर्ड आपको यहाँ पर भी देना है, ओके कर देना है, और उसके बाद में इसके आप सेव कर देंगे। तो ये डाटा शीट वन नाम से फाइल सेव हो जाएगी। इसके बाद मैं कंट्रोल डब्ल्यू करके इससे बाहर आ जाऊँगा। अब जब हम अगेन इस फाइल को खोलेंगे, तब हमसे ये पासवर्ड मांगेगा। बिना पासवर्ड के ये नहीं खुलेगी, क्योंकि ये डाटा शीट आपकी जो वर्कबुक है, ये पासवर्ड सिक्योर हो चुकी है। अब ये जब हम ओपन करते हैं तो ये पासवर्ड मांगता है, डाटा शीट वन XLSX इज प्रोटेक्टेड। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई नया व्यक्ति आता है और पासवर्ड डालता है, तो ये ओपन नहीं होगी। जब तक हम इसमें सही पासवर्ड नहीं डालेंगे, तब तक ये ओपन नहीं होगी। तो इस तरह से हम किसी भी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करके, जो आपका ज़रूरी डाटा है, आप उसे रख सकते हैं। तो मैंने ये सही पासवर्ड एंटर किया, और आपकी फाइल आपके सामने। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी वर्कबुक को, किसी भी शीट को, वर्कबुक को हम पासवर्ड के साथ कैसे सेव कर सकते हैं, आज हमने ये देखा। तो इसी तरह की और नई जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली जानकारी के लिए तब तक आप इंतज़ार करें। धन्यवाद।